वेलकम टू कॉन्वर्सेशन मैं आपका होस्ट आपका दोस्त मुख्तर खान और आज मैं आपसे क्रिकेट के बारे में बात करूंगा इंडिया uh, मेरे दिमाग से गुजर रहे हैं दे आर ऑल डिजाइन टू सेलिब्रेट इंडिया की जो जबरदस्त शानदार फोर वन विक्ट्री हुई है इंग्लैंड के ऊपर अब इंडिया हैज बिकम इनवेंसिबल एट होम इसमें कोई शक की बात नहीं इंडिया के हाई क्वालिटी प्लेयर्स फिर इंडिया की पिचिस ये और फिर इंडिया के फैंस ये जो ट्रिपल कॉम्बिनेशन है इसको फेस करना बहुत मुश्किल है एटलीस्ट इंग्लैंड के साथ थोड़ी उनकी बारहवीं आर्मी आ जाती है बट फॉर अदर्स मतलब सारा स्टेडियम इज ब्लू और पिचेस आर न्यू एंड डिफिकल्ट हालांकि इतने सारे प्लेयर्स जो बड़ी टीमों में खेल रहे हैं वो सारों को सारे आई पी एल में भी खेलते हैं मेनी ऑफ दैम and they have now a lot of exposure एक्सपोजर uh, और इंडिया की पिचर्स से भी वाकिफ़ है इंडिया की होटलों से वाकिफ़ है शहरों से वाकिफ़ हैं so इंडिया should be like a second home to all cricketers in the world तो वो आप बहाने नहीं बना सकते कि हम इंडिया की पिचस uh, पे नहीं खेल सकते या इंडिया की पिचिस टर्न अराउंड बहुत ज़्यादा होती है और दूसरी चीज़ ये है कि वन दो इंडिया हैज़ very गुड स्पिनर्स

वापस इनको स्पीड पोस्ट से वापस भेज दिया है एनीवे anyway, इंडिया के लिए जो खुशखबरी है कि सी एक चीज याद रखना चाहिए कि इंग्लैंड इज प्लेइंग एट इट्स फुल स्ट्रेंथ और इंडिया के कई बड़े प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग इंडिया के चार स्टालवर्ड्स आर नॉट प्लेइंग विराट कोहली और शामी दोनों नहीं खेल रहे अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें विराट कोहली वाज़ द हाईएस्ट स्कोरिंग बैट्समैन शामी वाज़ द हाईएस्ट विकेट टेकर यानी एक तरह से बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर नहीं खेले फिर राहुल भी नहीं खेले हु इज़ वेरी गुड स्ट्रोक प्लेयर टेस्ट में भी अच्छा खेलते हैं इंग्लैंड के खिलाफ काफी सेंचुरीज मारे हैं प्लस इज ऑसोरे विकेट कीपर और ऋषभ पंत भी नहीं खेले जो इंग्लैंड में इंग्लैंड को बहुत ठोका था उन्होंने पिछली बार तो so, इंडिया के चार बड़े प्लेयर्स नहीं खेले Uh, उसके बावजूद इंडिया हैज डन सुपर्ब इंडिया के लिए मेरी नजर में देर आर फोर बिग डिस्कवरीज एक तो खुशखबरी ये है कि uh, रोहित शर्मा का टेस्ट फॉर्म वापस दो शानदार उन्होंने शतक लगाए हैं सीरीज में लेकिन द बिग फाइंड्स आर जयसवाल गिल सरफराज और कुलदीप कुलदीप हैज फाइनली अपनी वो पोटेंशियल को uh, डिस्प्ले कर रहे हैं कि जितना वो स्पेशल स्पिनर है वो अब नजर आने लगा है अश्विन ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है उनके हंड्रेड टेस्ट मैच में उन्होंने uh, नौ विकेट ली और इस सीरीज में फाइव हंड्रेड विकेट भी ग्रेट क्रिकेट क्रिकेटिंग ग्रेट तो जो बेसिकली दिस इज गुड न्यूज जयसवाल गिल सरफराज और कुलदीप तो एक तरह से ये सारे जो प्लेयर्स जिनके मैंने नाम लिए हैं दे आर फॉर अ फ्यू इयर्स गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया और अभी जो जो मेन प्लेयर्स है इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को ले ले बेर स्टोक को ले ले रूट को ले ले ये ज्यादा से ज्यादा शायद रूट एक दो साल और खेले बट आई डोंट एक्सपेक्ट स्टो एंड बेन स्टोक्स टू लास्ट लॉन्ग तो इन अ वे इंडिया का जो फ्यूचर की टीम है जो आप देखेंगे दो हजार तीस तक जो टीम डोमिनेटिव टी, वो प्लेयर्स ने अभी जो नए हैं उन्होंने जबरदस्त धुलाई की है इंग्लैंड की थोड़ा मैं बैस बॉल के बारे में बात करना चाहता हूँ देखिए जो बैस बॉल है ना उसकी बहुत हुआ बना रखी थी इंग्लैंड के कमेंटेटर्स ने इतनी तारीफें ये वो मैं आपको थोड़े स्टैट्स बताऊंगा और बताऊंगा कि इट वाज नॉट सच ए बिग डील एज दे सेड इंडिया में भी अगर समझे आप सहव श्रीकांत कपिल देव को अगर और ऋषभ पंत को अगर आप ले लें तो ये भी बैस बॉल से भी भयानक बैटिंग कर सकते इफ देवर ऑल प्लेइंग टूगेदर तो एनी जो बैस बॉल है मतलब इट इज इट इज ए विनिंग एटीट्यूड एग्रेसिव एटीट्यूड है कि किसी भी सूरत हाल में टीम फॉर नॉट फॉर ड्रॉ और बस ये एक फिलोसॉफिकल फर्क था कि अगर हम हार भी गए जीतने की कोशिश में तो कोई बुरी बात नहीं है लेकिन ड्रॉ वगैरह करने की कोशिश नहीं करेंगे हर वक्त हर बॉल हर हर uh, सेशन में हर दिन ट्राई टू विन सो दैट इज द फिलोसफी लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसा क्या है नहीं? तेज बैटिंग के साथ सो so आर मेरी नजर में फोर थिंग्स जो हाईलाइट होती है बैस बॉल की बैटिंग की तरफ से वो है कि ओपनर्स ने दुआदार बल्लेबाजी थे शुरू की रॉकेट लाइक स्टार्ट जैसा सनत जय सूर्या ने शुरू किया था वन डे क्रिकेट में पहले पंद्रह ओवर में छक्के छक्के मार रहा क्योंकि प्लेयर्स अंदर होते हैं तो उस तरह से ये टेस्ट खेलने लग गए हालांकि टेस्ट में फील्ड फील्ड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है विच मीन दे वेर टेकिंग चांसेस Uh, दूसरी चीज ये है कि uh, फिर मिडिल ऑर्डर जो ऑर्डर था वाज द ऑफ बोन जो रूट की नई शक्ल कैप्टनसी के बाद जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है रिवर्स कूप रिवर्स स्वीप और पहले बॉल से भी छक्के मारना ये दिस वाज नॉट जो रूट इन हिज फर्स्ट हंड्रेड टेस्ट या वाइल ही तो एक जो जो नया रूप जो रूट का था बेर स्टोक की बैटिंग और बेनस्ट्रोक की बैटिंग तो ये चार ओपनिंग ऑर्डर और ये जो बेसिकली ऊपर से नीचे तक टॉप फाइव जो धड़ाधड़ धुलाई कर रहे थे दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ बेन स्टोक्स और दूसरी चीज थी कि बॉलिंग hmm. में ऐसा कोई बॉल फिलोसफी मुझे नजर नहीं आई लेकिन बोलिंग करते वक्त जो अटैकिंग फील्डिंग थी जो बेयरस्टो सेट करते थे दैट इज वॉट गिव द एन एच लेकिन इस सीरीज में वो सारी की सारी पोलिंग खुल गई एक तो एक उन्होंने खेल लेते tests, तो अगर हैरी ब्रुक भी वैसे ही परफॉर्म कर सकते हैं जैसा तो एटलीस्ट इंडिया in और ये उनके लिए फ्यूचर में काम आएंगे बिकॉज आई डोंट सी ए लॉन्ग फ्यूचर फॉर बेट लेकिन हैरी ब्रूक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आठ दस साल खेलेंगे इंग्लैंड के लिए तो दैट वाज़ अ बिग मिस्टेक और दूसरी चीज ये है कि आपको मैं स्टैट्स बताता हूं ये देखें आप स्टैट्स ये इंग्लैंड के पिछले आ, मतलब कोविड के जमाने से टेस्ट सीरीज है लेकिन जो बैस बॉल एक्चुअली शुरू हुआ है वो न्यूजीलैंड इन इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज है वहां से बेसिकली रियली really शुरू हुआ बैस बॉल जहां उन्होंने न्यूजीलैंड को थ्री जीरो मारा है तो अगर आप वहां से देखें तीन पांच तीन ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह ये ट्वेंटी सेवन टेस्ट जो है ट्वेंटी टू से लेके अभी तक पिछले ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर की जनवरी तक सो so, सवा दो साल की जो इनकी ये सीरीज है दिस इज द बेस्ट बॉल लेकिन आप देखें इंग्लैंड ने इंडिया के साथ ड्रॉ किया वो भी बिकॉज इट वॉज स्ट इंडिया वॉज लीडिंग टू वन फिर वो ट्वेंटी उन्होंने आके इंग्लैंड में खेला वो जीता उसमें बेन स्टोक्स कैप्टन थे इट वॉज अस अ बॉल विक्ट्री लेकिन वो सीरीज ड्रॉ हुई उसके बाद इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को मारा फिर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मारा फिर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड से ड्रॉ किया फिर इंग्लैंड ने आयरलैंड को मारा फिर एशेस ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉ की और इंडिया से हारा और अगर उससे पहले भी अगर आप पीछे चले जाते हैं 2020 तक तो अगर आप देखें इंग्लैंड की जो सीरीज हुई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो इंडिया के साथ 2020-21 में वो थ्री वन हारे वो मैचेस इंडिया में हुए थे फिर एशेस इंग्लैंड इन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से फोर जीरो हारे फिर उसके बाद इंडिया आई और इंडिया से टू टू ड्रा हुआ फिर ऑस्ट्रेलिया आई फिर ऑस्ट्रेलिया से टू टू ड्रा हुआ फिर इंडिया वो आए और इंडिया से फोर वन तो बैस से पहले और ड्यूरिंग बैस ऑस्ट्रेलिया तो ने इंडिया और इंग्लैंड ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भी सीरीज नहीं जीती दे है ड्रॉ और लॉस्ट जो एट होम सीरीज उन्होंने खेले हैं उसको ड्रॉ किया है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ और जो ओवरसीज उन्होंने किया जाके खेला है वहां पे बुरी तरह हार हैं फोर वन इंडिया से फोर जीरो ऑस्ट्रेलिया से तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया दैट ये बेसबॉल बॉल नॉट सच ए बिग डील ये छोटी टीमों के खिलाफ चल गया और आप सब जानते हैं जो क्रिकेट वॉच करते हैं कि दुनिया बेसिकली जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है अब दस या ग्यारह हो गए उसमें से टॉप थ्री इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है बाकी के सारे के सारे सेकंड ईयर टेस्ट है और ये जो अफगानिस्तान और इन्होंने अफगानिस्तान और आयरलैंड वगैरह को डाल दिया है आई मीन सो ही कुर्सी के जरा थ्री लेवल्स ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया uh, इंग्लैंड फिर कभी कभी न्यूजीलैंड को भी डाल सकते हैं ऑल इट वन दर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप लेकिन इट इज स्टिल नॉट एज स्ट्रॉन्ग और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश साउथ अफ्रीका फिर नीचे जो नई टीमें आई है आयरलैंड और अफगानिस्तान को ले लिया जिम्बावे सो so, तो ये है मेरी टिप्पणी अबाउट बैस बॉल सबको मुबारक हो इंडियन क्रिकेटर्स को इट वाज़ अ पिटी के विराट कोहली ने पांच टेस्ट मैचेस मिस किए क्या पता दो तीन सेंचुरी और हो जाती आई ऑलो आई एम सैड के रिशभ पंत ने मिस किए शामी ने मिस किए इट अ ग्रेट सीरीज बट इट एन अपॉर्चुनिटी टू शो कि भाई अपने सुपर स्टार के बगैर भी इंडिया का कर सकता है तो, और आप लोगों को मेरी क्रिकेट कॉमेंट्री पसंद आई है तो प्लीज कॉन्वर्सेशन को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें प्रेस द बेल आईकॉन और इस वीडियो को सबके साथ जरूर शेयर करें अंटिल नेक्स्ट टाइम मैं आपका होस्ट أبقى دوست مقتدر خارق.